फिर एक बार आप सबका मैसी फैमिली में स्वागत है। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। हम भी बहुत अच्छे हैं। और आज मैं कोई व्लॉग नहीं डालने जा रही हूँ, आज मैं कुछ विषय पे बात करने जा रही हूँ, और वो है विषय शिवानी का, जो बिग बॉस में है। उसके विषय में मैं आज आपसे कुछ बातें शेयर करना चाहती हूँ। शिवानी को बिग बॉस में कई जगह पे कहा गया कि वो फेक है, वो बनावटी कर रही है, वो तैयारी करके आ रही है। अरे एक 20-22 साल की लड़की क्या तैयारी करके आएगी, बच्ची है और उन सबसे छोटी है। और पलोमी ने उसको इतनी गंदी गंदी गालियां दी, गिर गई, जबकि वो खुद फॉल्ट पे थी, इतनी हील पहनकर जा रही थी। अरमान मलिक लोगों ने कहा भी था कि ये उतार दे, और उसने नहीं उतारा और वो उसी के साथ भागी। जाहिर सी बात है, हम और आप भी अगर इस तरह से करेंगे तो हम और आप भी गिर सकते हैं। और वो गिर गई और उसने पूरा ब्लेम लगा दिया शिवानी पे। और शिव गिरी तो गिरी, साथ में शिवानी के लिए उसने बहुत गंदी गंदी गालियां दी और बहुत कुछ कहा उसको। शिवानी की एक अच्छी बात थी, वो गांव की लड़की है, देसी लड़के, वो उससे भी भारी गालियां दे सकती थी, पर ये उसके संस्कार थे, उसने गालियां नहीं दी। शायद ये किसी ने नोट किया हो ना किया हो। और मुझे ये चीज़ बुरी लगी क्योंकि शिवानी के वीडियो मैं देखती हूँ और मैं बहुत अप्रिशिएट करती हूँ उस बच्ची को कि उसने बहुत अच्छा वो काम कर रही है, इतने सारे लोगों को संभाल रही है, मदद कर रही है, और मुझे बहुत अच्छे लगते हैं उसके वीडियो। अब किसी और को अच्छे लगते हों या ना लगते हों वो उनका ओपिनियन है, पर यहाँ पर जब उसको इस तरह से ट्रोल किया गया तो मुझे बहुत अच्छा नहीं लगा। मुझे बहुत दुख हुआ कि अगर एक गाँव की बच्ची बढ़ रही है तो उसको बढ़ावा देना चाहिए। अरमान मलिक जो बेटा बेटा करके पीछे से वार करते हैं, दो दो बीवियां लेके गए हैं, और वो उस तरह से बात की, पायल निकल गई अब वहां से। सो ये चीजें अच्छी नहीं लगती। अगर आप बेटा कहते हो तो दिल से बेटा कहो, बनावटी वाला प्यार मत दिखाओ, जो कि शिवानी को बनावटी कहा जाता है। सो ये चीज मुझे अच्छी नहीं लगी। और जब अनिल जी आए और उन्होंने भी देखा, सारी चीजें देखी है, पर उस विषय पे उन्होंने कोई बात नहीं करी। और यहाँ पर ये बात होनी चाहिए थी कि उसको गालियाँ क्यों दी जा रही। और एक बात का बहुत इशू बनाया गया कि वो बेहोश हुई तो वो नाटक कर रही है। ऐसा नहीं है दोस्तों, मैं उसके वीडियो देखती हूँ, आप में से मेरे जैसे और लोग भी बहुत देखते होंगे। मैंने उसके दो वीडियो की क्लिप ली है, एक बार जो एक सब्सक्राइबर आया था उसने केक खिलाया था, सब वहाँ पर गिर गई थी, बेहोश हो गई थी, वो दिखावटी नहीं था। और एक बार उसकी तबीयत खराब थी, हॉस्पिटल जा रही थी कार में, वो भी तब भी बेहोश हुई थी, वो भी बनावटी नहीं था। हाँ, उसके मामा की जब डेथ हुई थी तो उस समय वो बेहोश हुई थी, तो हो सकता है शायद वो किसी के साथ भी हो सकता है, हादसे में या दुख में वो बेहोश हो सकता है, पर यहाँ पर वो बेहोश। ऐसे कई वीडियो मैंने दो वीडियो निकाले हैं, वो मैं इसमें डालूंगी उसकी क्लिप, आप लोग देखिएगा। वो ड्रामा नहीं कर रही है, जो उसको ड्रामा क्वीन कहा गया है, ये गंदी बात है, ये नहीं बोलना चाहिए। ड्रामा क्वीन वो नहीं है, ड्रामा क्वीन है पलोमी, ड्रामा क्वीन है मोनिशा, जो इस तरह की हरकतें करे। अब जुए को लेके उसने बहुत बड़ा इश्यू कर दिया, मुझसे झूठ बोला, मुझे कहा डैंड्रफ है। अरे तू इतनी हाइजीनिक मानती है, इतना कुछ करती है, इतने बड़े उम्र की है तू, तो क्या करने आई बिग बॉस में? जब तुझे कॉपरेट ही नहीं करना है, अपना सबका भविष्य बना बताती है, तो खुद का भविष्य भी देख लेती कि यहाँ पर इस तरह के लोग आएंगे, है ना। पलोमी शो में आने से पहले उसने वड़ा पाव वाली के लिए बहुत कुछ कहा कि ऐसे लोगों को क्यों बुला रहे हैं। उसने शिवानी को भी कहा कि ऐसे गांव के देहाती लोगों को बिग बॉस ने क्यों बुलाया। हु आर यू, आप कौन होती हैं बताने वाली कि किसको आना है किसको नहीं आना? ये डिसीजन बिग बॉस का है, आपका और हमारा नहीं है दोस्त। आपने इस तरह की बातें करी है और अब उसे पैचअप करने, क्योंकि बाहर आप आओगी, आप ट्रोल की जाओगी, बाहर आपको जनता छोड़ने वाली नहीं, क्योंकि शिवानी की बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है। मैं देखती हूँ उसे बहुत लोग प्यार करते हैं और उसे बहुत लोग चाहते हैं कि वो आगे आए, और हम भी चाहते हैं कि ये बिग बॉस का थर्ड सीजन शिवानी जीते। हम हमेशा यही दुआ करते हैं कि वही जीते, क्योंकि वो मेहनती लड़की है, वो ऐशो आराम की जिंदगी नहीं, उसने नीचे से वो उठी है वो बच्ची। तो हमारा सारा सपोर्ट शिवानी के लिए है, और शिवानी जैसी लड़की जो मेहनत करी है वो शर्तिया बहुत आगे आएगी, और आप सब भी देखेंगे, हम सब भी देखेंगे। और जिस तरह से उसको वहां पर झूठा करार दिया जा रहा है, राघव जी आए, उन्होंने भी उसकी एक्टिंग करी और उन्होंने भी बताया कि ये ड्रामा कर रही है, घर के सारे लोग यही वाली बात कह रहे हैं, ड्रामा कर रही है। नहीं,
वो ड्रामा नहीं करे, ये सारी चीजें बोलने से पहले उसके घर के लोगों से, या अभिषेक ने एक वीडियो डाला है उसमें रिपोर्ट्स दिखाई गई है, वो आप लोग पहले देख लेते। किसी को ब्लेम करने से पहले पहले चेक करो कि वो सही है या गलत है। तो ये चीजें मुझे बुरी लगी। और बहुत सारे लोग अब उसके जुए को रखे, जुए किसको नहीं पढ़ते हैं, किसको नहीं पढ़ते बताइए मुझे, चाहे वो शहर में रहते हो, चाहे वो शहर के बाहर रहते हो, गांव में रहते हो, किसको नहीं पढ़ते। मैं बॉम्बे में रहती हूँ, स्कूल टाइम में मुझे भी पढ़े हैं, अभी कुछ दिन पहले मैं बीमार हुई थी तब भी मुझे पढ़े थे। जुए कोई बहुत बड़ा इश्यू नहीं है, जो इतना बड़ा इश्यू बना रहे उससे दूर रहना, उसको कोई ऐसी बीमारी नहीं हुई है जो आप उससे दूर रह रहे हैं, नहीं, जुए तो निकल जाएंगे। और किसको नहीं हुआ है, बहुत से लोगों ने कहा भी, जो वड़ा पाव वाली उसने भी कहा यार बचपन में सबको पढ़ता, और उसने जो लोग उसके मतलब जो उस लोग उसको सपोर्ट करते हैं उन लोगों ने भी कहा कि तू इस पे गौर मत करना, तू इस पे ध्यान मत देना, क्योंकि अगर वो थोड़ा भी सोचती है उसका बीपी लो हो जाता है। और मुझे पता है जब बीपी लो होता है तो क्या होता है, आप में से बहुत से लोग जानते होंगे। तो इस तरह से उसको अंदर हैरान किया जा रहा है। पर मैं इतना जानती हूं शिवानी वहां पर ढेर सारे ऑडियंस का प्यार लेकर गई है, और ढेर सारे ऑडियंस का प्यार लेके आएगी और जीत के आएगी, ट्रॉफी लेकर आएगी, और ऐसे लोगों के मुंह को वो बंद करेगी। जितने लोग भी कह रहे हैं ना वो फेक है, वो फेक है, वो फेक नहीं है, वो देसी लड़की है, सच्ची लड़की है, सच्चाई पे अड़ी हुई है। हाँ ये हो सकता है उसका टोन अलग है, तो जहां पर वो रहती है वहां वहां की वो भाषा है, वो उनकी भाषा है, मातृभाषा है जो वो बोल रहे हैं, उनके गांव की भाषा है। अब उसमें ट्रोल करना, उसमें तरह तरह की बातें बनाना, रणवीर जी और एक अच्छी उम्र पे है, अच्छे आर्टिस्ट है ना, वो भी उसको नहीं छोड़ते हैं, बात बात पे जब वो चिढ़ाते हैं तो शिवानी बुरा नहीं मानती, लेकिन जब शिवानी कहती है तो वो उन्हें बुरा लग जाता है। तो आप छोटे के मुंह लगते क्यों हो, जब आप बर्दाश्त नहीं कर सकते हो, चाहे वो विशाल हो, चाहे वो शिवानी हो, आपको सबकी बातें चुभती हैं, है ना। तो ये नहीं होना चाहिए। दीपक जी भी गेम खेल रहे हैं, पर बहुत अच्छे से खेल रहे हैं, गलत नहीं कर रहे हैं वो, और वो शिवानी को पूरी तरह से सपोर्ट करते हैं, समझाते हैं। हाँ उसकी ये उम्र है कि आप उसे समझा सकते हैं, प्यार से बैठा के उसे बता सकते हैं बेटा ऐसे नहीं, बेटा ऐसे करना है, तो वो अच्छा लगेगा। पर आप लोग सामने कुछ कहते हैं, पीठ पीछे कुछ कहते हैं, शायद आप लोग को पता नहीं है ये पब्लिक देख रही है, और पब्लिक सब जानती है कौन कितना पानी में है, ठीक है। तो मुझे शिवानी के बारे में बोलना था जो मुझे बहुत हर्ट हुआ था, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। दोस्तों इस वीडियो को शेयर करें, भर भर के प्यार दें और शिवानी की जीत कराएं। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल। और एक बात बोलना भूल गई मैं, शिवानी को वहां पर गंवार का टैग दिया गया है, गंवार। जो लोग शहर में रहते हैं, जो लोग बिग सिटी में रहते हैं, गांव के लोगों को गवार मत समझना, ठीक है। वो लोग खेती बाड़ी करते हैं, उन्हीं की रोटी हम और आप खाते हैं, तो गवार अगर शांत बैठ जाएंगे ना तो हम और आप जैसे लोग भूखे रह जाएंगे। इसलिए बहुत सोच समझ के अपने शब्दों को निकाला करिए, बहुत सोच समझ के। उसकी मम्मी बहुत बीमार रहती हैं, वो बहुत टेंशन में है, जब वो अपनी बेटी को अंदर दुखी देखती है तो वो सबसे ज्यादा दुखी होती है। जब मुझे और आपको दुख होता है तो वो तो माँ है, उन्हें कितना दुख होता होगा, कभी सोचा है आप लोगों ने ये? जब आप बाहर आएंगे मेरे वीडियो को देखेंगे तो जरूर आपको समझ में आएगा कि आप लोगों ने कहाँ गड़बड़ियां करी हैं, ठीक है। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल। सो दोस्तों मैंने आपसे वायदा किया था कि मैं उसकी दो क्लिप दिखाऊंगी जो मैंने ली है, वो आप इसकी जाकर यहाँ पर देख सकते हैं। मैंने दो क्लिप डाली है जिसमें ये बेहोश हुई है, और ये कोई ड्रामा नहीं कर रही है जैसा बिग बॉस में कहा गया है, ये हकीकत है। ये देखिए दो क्लिप है, और आप उसके वीडियो में जाकर और भी देख सकते हैं। तो